जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए थोड़ी ताजा अपडेट सामने आई है, क्योंकि बुधवार को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम की नई जर्सी लॉन्च कर दी है। आपको बता दें कि साल 2008 में शुरू हुई अपने आईपीएल सफर में टीम ने पहली बार अपनी जर्सी का डिजाइन बदला है, वरना हर बार तो उसी हाल में नजर आती थी। इस जर्सी में एक तरफ तीन स्टार हैं तो दूसरी तरफ भारतीय सेना को सम्मान देते हुए कैमोफ्लेज डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे खास दिख रही है इस जर्सी में टीम के लोगों के ऊपर तीन स्टार बनाए गए हैं। ये तीन स्टार टीम की 2010, 2011 और 2018 में मिली जीत को दर्शाते हैं, क्योंकि इसी साल इन्होंने आईपीएल के खिताब जीते थे। इसके अलावा भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए उसका कैमोफ्लेज भी डाला गया है। सीएसके पहले भी भारतीय सेना से जुड़ी रही। साल 2019 में सीजन की शुरुआत में ही सीएसके ने सेना को 2 करोड़ रुपए का चेक भी दिया था। दोस्तों यही खास बात है, जिस टीम में महेंद्र सिंह धोनी शामिल रहते हैं वहां पर कोई ना कोई शुभ काम होता रहता है टीम की जीत के अलावा। कप्तान धोनी खुद भी टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। बताते चलें दोस्तों आपको कि इसके मायने क्या होते हैं। भारतीय सेना जब एक्शन में होती है तो उनकी वर्दी कैमोफ्लेज वाली ही होती है। शायद धोनी भी अपनी टीम को इसी तरह के एक्शन में देखना चाहती है, जिससे कि सभी के अंदर वही जोश जज्बा देखने को मिले। पिछले 2-3 सीजन से आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन आशा के अनुरूप रहा है। वहीं कप्तान धोनी की अपनी परफॉर्मेंस भी सवालों के घेरे में है। अगर इस बार धोनी की टीम से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो उनकी कप्तानी भी जा सकती है, ये बात भी तय मानी जा रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से सीएसके इस बार अपनी पुरानी हार का बदला लेकर अपने आप को फाइनल मुकाम तक जीतते हुए देखना जरूर चाहेंगे, और फैंस भी यही देखना चाहेंगे, क्योंकि ये धोनी का एज अ कैप्टन आखिरी आईपीएल बताया जा रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।